Hi guys, hope you have been fine. I'm here for another vlog. और आज का दिन नई शुरुआत, नया दिन, और आप देख रहे हैं कि ये सब जो है ये हमारी तरक्की बंद होने की निशानियां हैं। ठेकेदार साहब भी जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ के सारी कंस्ट्रक्शंस को कवर करते हैं। तो आज यही एजेंडा बना देते हैं, कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं और एक्चुअल में जो लोगों की जनसंख्या की बढ़ोतरी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, जीपी, और जो खेत खलियान बढ़ते हैं वो एपी में बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इंक्रीज़ होती है खाद्य पदार्थ की और जनसंख्या की 2, 4, 8, 16, 32। तो शुरू में तो सेम है बट आगे जाके वो ऐसा गैप हो जाता है जो भरा ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपको वो करना है कि खेतों की फसलों की बहुत ज़्यादा उपज बढ़ानी है, यानी कि कुछ खाद डालकर, कुछ पेस्टिसाइड्स ख़त्म करके, कुछ नॉर्मल इंसेक्टिसाइड्स पे, और जो आपकी जनसंख्या है उसमें भी रोक लगानी है, क्योंकि दोनों तरफ से ही जब चढ़ेगा काम तभी तो वो गैप भरेगा। तो ये गैप भरने के ये दो तरीके, और बाकी ये है कि आप अपना जिंदगी के जितने भी डिसीजन हैं वो वक्त पे बंदा ले ले। तो अगर ऐसा करता है तो सारा कुछ प्लान चलता है, जब प्लान होता है तो और अगर सर आगे तक बढ़ती है कहानी और वो ठीक हो जाती है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन का वही ज़रूरत पड़ेगी कि जितने लोग आपके आएंगे उतने लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 वाले लोगों की कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने घरों में रहने हैं। तो वो कैसे रह पाएंगे? वो तभी रह पाएंगे जब आप अपना पूरा योगदान उनको देंगे और वो नए घर बना पाएंगे अच्छे तरक्की बद होकर। तो आप ये समझें कि इस बात की कितनी अहमियत है, कैसे कैसे ये चलता है, और तब जाके आप समझ पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन में हर बंदा अपने घर में इजाफे करना चाहता है, कभी एक कमरा, कभी पूरा एक मकान, कभी शिफ्ट चेंज फ्रॉम द एरिया जहां वो रह रहा है, ताकि और बढ़ोतरी कर सके, वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सके। अब वो हर बार वो बेहतर के लिए है या नहीं वो समझता है वहाँ जाके जहाँ उसने लिया होता है। अगर तो उसकी फैसला डिसीजन ठीक था तो वो नई जगह जहाँ जा रहा है वहाँ वो बहुत अच्छी चीज़ें ले पाएगा, और अगर 1% नहीं तो फिर वो नहीं ले पाएगा। तो ये सब यहाँ की आज की चीज़ों का सार है, और अब आप ये समझें कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बंदे को एक अच्छा योगदान दिलाने के लिए। लुक एट द ट्रीज़, ये पूरे के पूरे झड़ गए, तभी पिछले इतने दिनों से चारों तरफ पत्ते ही पत्ते छाए हुए थे, छोटे पेड़ों से, बड़े पेड़ों से, ऊपर के पेड़ों के, नीचे से पेड़ों के, हर जगह से सिर्फ पत्ते ही पत्ते। और अब जाके वो बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जब ये पेड़ ख़त्म हो जाते हैं पेड़ों से तो नए पेड़ आते हैं, नए पत्ते आते हैं, और वो खुशहाली लाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन की तरह ही है बट ये गॉड की तरफ से है, क्योंकि गॉड जब ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कारगर हो जाती हैं। प्लस इसके साथ साथ आप देखें यहाँ कटौती भी की है पेड़ों को, कटहल, ताकि उनका और अच्छा योगदान हो सके। और ये सब आप देख रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये कोशिश करें कि ये सारा काम हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें और बाकी चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस होती रहें। बाकी मेन एजेंडा पे हम आ गए हैं। आप सबको ये समझ है कि हमने अपना योगदान दिया है, आपके योगदान की बारी है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि तभी हम कुछ बेहतर वीडियोस बना सकेंगे। फिर कल मिलते हैं, शब बख़ैर।